अरे थकेले, चलो हम भी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। नहीं, मेरा भागने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। कई दिनों से नहीं खेला यार। ठीक है, चलो मैं छुपता हूँ, तुम मुझे ढूंढो। ओके। थकेला थकेला थकेला, तुम कहाँ छुपोगे बता देना, ठीक है? मैं पेड़ के पीछे छुपूंगा। लेकिन कौन से पेड़ के पीछे? यहाँ से दूसरे पेड़ के पीछे। 1, 2, 3, 4, 5 ये चीटिंग है थकेले, तुम दूसरा पेड़ बताकर कहीं और छुप गए हो। मैं तो यही हूँ। अच्छा बेटा, मुझे उल्लू बनाते हो। इसकी जरूरत ही क्या है, कोई पहले से ही हो तो उसे क्या बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम ढूंढो और मैं छिपता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 हो? ऐसे अपने स्टैच्यू बनाकर कौन हाइड एंड सीक खेलता है यार? तुम भी तो पेड़ के पीछे छुपने के बजाय खुद ही पेड़ बन गए थे। अब देखो, तुम्हें इस बॉटल में बंद करके हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। फिर मैं देखता हूँ तुम कहाँ और कैसे छुपते हो। क्या बात है भाई, पुलिस पीछे पड़ी है क्या? नहीं, वो थकेला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। थकेला? हाँ, मेरा भूत दोस्त। अरे तुम मुझे देख सकते हो? तो क्या मैं खुद से बात कर रहा था? अरे भाई, सिर्फ तुम ही हो यहाँ, और कौन है तुम्हारे सिवा? मैं हूँ थकेला। And I am पकेला। और मैं हूँ इनका बॉस, मतलब भूत बॉस। तुम डरो मत, हम हैं दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के लिए गोस्ट। बस तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम उसे सॉल्व करेंगे। आज से 20 दिन पहले की बात है, मैं बाटली वाला एंटिक शॉप पे गया था। डीकरा, खाली चनो वागे घनो। बाहर से क्या देखता है तुम्हारा? अंडर आओ नी। डीकरा, तुम्हारा ही शॉप है। आओ, क्या दिखाओ? ये लो, इसमें संगीत सुनने का अपना ही मजा है। नहीं, कुछ और दिखाओ। अरे डीकरा, तुम जो बोलो वही दिखाता हूँ। ये लो डीकरा, ये लो पुराने जमाने के लैंडलाइन फोन, समझो। आप मुझे वो चिराग दिखाओ ना। लो चिराग लो, खाली चनो वागे घनो। ये वही चिराग है ना जिसमें से जिन निकलता है? ये नाम से ही बुद्धदेव है, दिमाग से नहीं। अरे डीकरा, क्या नजर है नहीं तुम्हारी, बिल्कुल सही पहचाना, ये वही जिन वाला चिराग है नहीं। क्या बात करते हो, सच में? मैं इसे खरीद लूंगा। वैसे तो ये अनमोल है, लेकिन आप 20,000 दे दीजिए, खाली चनो वागे घनो। ये लीजिए आपके 20,000 रुपए। अरे डीकरा, तुम क्या करता है? ये आज नहीं, आज से ठीक 20 दिन बाद पूनम की रात को घिसना, फिर इसमें से जिन निकलेगा। तुम जो उस जिन से कहोगे तुम्हारा हर काम करेगा। हाँ, सच में? बिल्कुल सच में। आज तो इस बुद्ध देव का बुद्धू बनाकर मजा आ गया, सच है, खाली चनो वागे घनो। और इस तरह उसने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन जब मैं उसके पास वापिस करने गया तो
बिका हुआ माल यहाँ वापस नहीं होता। लेकिन ये तो चीटिंग है ना। इसे चीटिंग नहीं बिजनेस कहते हैं। हाँ, चलो जाओ 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 नहीं। तो ये बात है। पाप पे लगाएंगे विराम, दुश्मन का करेंगे काम तमाम। डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। अरे तुम फिर से आ गया नी? तुम्हें कहा था ना बिका हुआ माल वापस नहीं लेता है हम, हा? खाली चनो वागे घनो, हा? लेकिन मैं इसे वापस करने नहीं आया, बल्कि आपको शुक्रिया करने आया हूँ। इसमें तो सच में जिन निकल रहा है, और एक नहीं तीन तीन जिन निकल रहे हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ बन जाऊंगा? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आप खुद ही देख लीजिए। हुकुम मेरे आका, हम हैं आपके गुलाम। करिए कबूल हमारा सलाम। ये तो सच में जी ने, वो भी एक नहीं तीन तीन है। खाली चलो आगे घनो। हुकुम कीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले कुछ स्वादिष्ट खाना लेके आओ। जो हुकुम मेरे आका। जिन दोस्त, खाना तो हो गया, अब कुछ शॉपिंग हो जाए। जो हुकुम मेरे आका। वो घोड़ा दिखाइए, कितने का है? डिकरा, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? डिकरा, आप तो मेरे पुराने कस्टमर है, हा? बस आप मुझे ये चिराग वापस कर दो। ये घोड़ा चलता है ना? घोड़ा कैसे चल सकता है, ये तो मेटल का है। लेकिन मुझे तो भागने वाला घोड़ा चाहिए। इसे भगा कर दिखाओ। जो हुकुम मेरे आका। मुझे जरा वो ग्रामोफोन दिखाओ। अरे डीकरा, ये तो पुराना है, ये चलता नहीं है। जिन, इस ग्रामोफोन की आवाज तो सुनाओ जरा। मेरे आका को लूटने की कोशिश करते हैं, उनका ऐसे ही नुकसान होता है। अरे डीकरा, तुम मुझे वो चिराग वापस करो नहीं है? मैं तुम्हें 20,000 रुपए अभी वापस करता हूँ। अब ये 50,000 का है। लेकिन मैंने तो तुम्हें 20,000 का दिया था। डीकरा, लाइट। कौन हो तुम लोग? मैं हूँ थकेला। And I am पकेला। और ये है हमारे भूत बॉस। बाटली वाला, तेरे पाप की बाटली अब भर गई और फूट भी गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। बता, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे बुद्ध देव बहुत भोला लगा, मैंने उसके भोलेपन का फायदा उठाया। और मामूली चिराग 20,000 रुपए में बेचा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। दोबारा फिर कभी किसी के साथ ऐसा करोगे? कभी सपने में भी किसी के साथ गलत करने की नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा बाबा, नहीं सोचूंगा।
लो भाई, बाटली वाला को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मेरी नींद की गिफ्ट मुझे कब मिलेगी? बॉस, शहर के किनारे बीच पे पड़ी बड़ी सी पाइप के पीछे खाली खोली में आपके सोने का इंतजाम हो गया। फिर देर किस बात की?